नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। दिल्ली एनसीआर की आबो हवा को सुधारने के लिए हर एक कोशिश की जा रही है, हर एक मुमकिन प्रयास किया जा रहा है। इसके बावजूद भी दिल्ली की हवा जो है वो ठीक होने का नाम नहीं ले रही। हवा इतनी खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है कि सांस लेना दिल्ली वासियों के लिए दूभर होता हुआ नजर आता है। दिल्ली के अगर अलग अलग इलाकों की मैं बात करूं तो दिल्ली के आनंद विहार इलाके का AQI मंगलवार की सुबह करीब 433 दर्ज किया गया है। 400 से ऊपर जब ये आंकड़ा पहुंचता है तो आप गंभीर श्रेणी में हवा को मानते हैं, तो आप अंदाजा लगाइए कि हवा कितनी जहरीली हो चुकी है। वहीं चिंता की बात यह है कि दिल्ली के कई इलाकों का AQI 400 के पार चला गया है। कुछ इलाके में AQI 300 के ऊपर दर्ज किया गया। इसके अलावा NCR के गाजियाबाद की हवा बहुत ज्यादा खराब स्तर में बनी हुई है, यहाँ का AQI 335 दर्ज किया गया है। ग्रेटर नोएडा की अगर हम बात करें तो ग्रेटर नोएडा की भी हवा बहुत खराब स्तर में है, यहाँ AQI 317 दर्ज किया गया है। वहीं इन सब में हैरानी की बात यह है कि इसमें से सिर्फ 5 शहर ही NCR के बाहर के थे, बाकी 22 शहर NCR से हैं। खबरों की माने तो इस बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए एयर क्वालिटी मैनेजमेंट बैठक भी करेगा, जिसमें इस बढ़ते प्रदूषण को लेकर चर्चा भी होगी। प्रदूषण एक ऐसी समस्या जिससे निजात पाना बहुत मुश्किल अब आम जनमानस के लिए होता हुआ नजर आता है, क्योंकि बढ़ती आबादी की वजह से वाहनों की जो रफ्तार है, वाहनों की जो संख्या है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से गाड़ियों से निकलने वाला धुआं जहरीला हो रहा है। फैक्ट्रियां, कारखाने, इनमें से जहरीला धुआं निकल रहा है जो कि वायुमंडल में मिल रहा है, जिसकी वजह से जो हवा है वो जहरीली हो रही है और इसी जहरीली हवा में हम सांस ले रहे हैं, बीमार और बहुत ज्यादा बीमार हो रहे हैं। दिल्ली और दिल्ली एनसीआर के जो हालात हैं बेहद खराब हैं, तो ऐसे में गाजियाबाद भी पीछे नहीं है। गाजियाबाद सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर है, यहाँ का AQI बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो ऐसे में यहाँ पर क्या कुछ जानकारी है ये देने के लिए जितेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, क्या कुछ जानकारी मिल रही है इस खबर को लेकर, क्योंकि प्रदूषण की जो रफ्तार है वो बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है, इसे कंट्रोल करना बेहद जरूरी है वरना आने वाले समय में और ज्यादा दिक्कतें हो सकती हैं। जी बिल्कुल, देखिए गाजियाबाद की अगर बात की जाए तो गाजियाबाद में आज का जो पोल्यूशन है 324 के आसपास है, जो कि बेहद ही ज्यादा खराब है। अगर बात की जाए अस्पतालों की तो अस्पतालों से लगातार ऐसी शिकायतें आ रही हैं कि जो मरीज हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं, जिनको सांस लेने में दिक्कत हो रही है। इसके अलावा जो अस्थमा के मरीज हैं, उन उस तरह के जो मरीज हैं वो लगातार अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं। उसमें से कुछ की अगर बात की जाए तो कुछ जो मरीज हैं उनको ऑक्सीजन तक देनी पड़ रही है। इस तरह के गाजियाबाद में हालात हो चुके हैं। जी बिल्कुल जितेंद्र, अगर फिलहाल की मैं बात करूं तो फिलहाल गाजियाबाद का AQI क्या है और जो लोग बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि आप भी फील्ड पर बने रहते हैं, खबरों की सिलसिले में खबरें निकालने के लिए, खबरें जानने के लिए आप फील्ड में निकलते हैं, तो क्या आपकी बात हो पाई है आम लोगों से जो मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं, जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, जो लोग जो है नौकरी पेशा है वो निकल रहे हैं, उनका क्या कहना है इस मौसम के बारे में? जी बिल्कुल, देखिए अगर बात की जाए नौकरी पेशा या लोगों की जिनका ज्यादातर फील्ड का वर्क रहता है या बाइक से या आमतौर पर पैदल वो चला करते हैं, तो उनका कहना है कि उनकी आंखों में जलन होती है और इसके अलावा अगर सांस लेने की बात की जाए तो जब वो ज्यादा पैदल चलते हैं क्योंकि मास्क लगाना होता है, अगर मास्क नहीं लगा हो तो भी दिक्कत होती है, अगर मास्क लगाते हैं तो भी प्रदूषण से दिक्कत होती है। ये तमाम चीजें हैं जिस तरह से दिक्कत होती है। इसके अलावा अगर बच्चों की बात की जाए तो उनमें भी इस तरह की, क्योंकि प्रदूषण सबसे ज्यादा बच्चों और बुजुर्ग और गर्भवती महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा हानिकारक है, और गाजियाबाद का AQI की अगर बात की जाए तो 328 आज दर्ज किया गया है। जी जितेंद्र, 328 यानी कि गंभीर स्तर में जो हवा है वो पहुंच चुकी है। प्रशासन कितना ज्यादा अलर्ट है, लोगों को कितना ज्यादा जागरूक किया जा रहा है, क्योंकि आने वाले समय में शादियों का सीजन शुरू हो जाएगा, ये बढ़ता प्रदूषण कहीं ना कहीं उस पर भी असर डाल सकता है। जी बिल्कुल, देखिए शादी के सीजन की अगर बात की जाए तो शादी का सीजन भी शुरू हो चुका है, और ऐसे में जब शादियां होती है तो आतिशबाजी भी जोरों से होती है, लेकिन उस पर अगर प्रशासन की बात की जाए, खासकर पुलिस प्रशासन की, तो उनका किसी भी तरह से उस पर नजर नहीं है। इसके अलावा अगर गाजियाबाद के नगर निगम और जीडीए की बात की जाए
तो वो लगातार जो है सड़कों पर छिड़काव कर रहे हैं ताकि जो सड़कों से उठने वाली धूल है वो ज्यादा ना उड़े। लेकिन वो जो इंतजाम है वो जिस तरह के गाजियाबाद का प्रदूषण है उसके हिसाब से नाकाम साबित होते हैं। इसके अलावा गाजियाबाद पुलिस को जरूरत है, जो शादियों में जनरेटर्स चल रहे हैं, इसके अलावा जो आतिशबाजी हो रही है वो आतिशबाजी के लिए वो जो उनको बम वगैरह मिलते हैं वो कहाँ से मिल रहे हैं, वो पटाखे कहाँ से मिल रहे हैं, इस पर भी गाजियाबाद पुलिस को ध्यान देने की जरूरत है। कई बड़ी फैक्ट्रियां भी है, कई कंपनीज है, क्या यहाँ पर उन पर भी नजर रखी जा रही है? क्योंकि पॉल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो ऐसे में कई बार जो कंपनी है उन्हें भी अल्टीमेटम दिया जाता है। जी बिल्कुल, देखिए अगर अल्टीमेटम की बात की जाए तो एनजीटी की तरफ से बार बार अल्टीमेटम तो दिया जा रहा है, और जैसे कि इससे पहले कुछ दिन पहले जब गाजियाबाद का AQI 528 तक पहुंचा था, तो उन दिनों गाजियाबाद में प्रदूषण विभाग जो है उसने अपनी तरफ से कार्रवाई की थी और कुछ कंपनियों पर जुर्माना भी लगाया था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से प्रदूषण थोड़ा सा कम हुआ, लेकिन हालांकि अभी भी खतरे की स्थिति में है, लेकिन जिस तरह से कम हुआ है उसके बाद से जो है जो जुर्माना लगाने का जो कवायद थी वो धीरे धीरे खत्म सी होती जा रही है। जी बिल्कुल, तो क्या लगता है कि गाजियाबाद में आने वाले समय में राहत मिल सकती है लोगों को, जितेंद्र? जी बिल्कुल, देखिए अगर राहत की बात की जाए तो आने वाले समय में जिस तरह से मौसम में बदलाव हो रहा है तो वहाँ जिस तरह से हवा चलेगी, और अगर हो सकता है कि सर्दियाँ जिस तरह से शुरुआत हुई है तो अगले हफ्ते हो सकता है बरसात हो और हवा तेज चले, तो तब जाके गाजियाबाद के लोगों को बहुत ज्यादा जरूरत है, उन्हें जागरूक करने की भी जरूरत है, और प्रशासन का सबसे पहला काम है कि लोगों को जागरूक किया जाए, जितेंद्र। क्योंकि कई बार लोग समझते हैं कि ये कोहरा हो रहा है, लेकिन ये कोहरा नहीं होता है, ये वो एक घनी चादर है जो की बहुत ज्यादा जहरीली है। जी हाँ बिल्कुल, देखिए अगर बात की जाए सुबह का वक्त जब होता है तो लोग अपने घरों से बाहर निकलते हैं उनको कोहरा लगता है, लेकिन जिस तरह से कोहरा होता है और उस हिसाब की ठंड उन लोगों को नहीं लगती है, और इससे वो अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कोहरा ना होकर ये वो स्मोग है जो आपको नुकसान दे रहा है, खासकर जो सुबह सुबह राइड करते हैं या बाइक से जाते हैं या साइकिलिंग करते हैं या व्यायाम करते हैं तो उनकी आंखों में जलन और सांस लेने में दिक्कतें आती हैं, ये सीधे जो प्रदूषण है ये उसके लक्षण है। जी बिल्कुल जितेंद्र, एक आखिरी सवाल आपसे मेरा ये है कि गाजियाबाद की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कई नदी नाले भी हैं जो गाजियाबाद के किनारे से या गाजियाबाद के अंदर से भी निकलते हैं, तो उनकी भी साफ सफाई बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि उससे भी बहुत ज्यादा पॉल्यूशन फैलता है। जी हाँ बिल्कुल, देखिए अगर गाजियाबाद की बात की जाए तो मेन गाजियाबाद से हिंडन नदी निकलती है, अगर साइड से बात की जाए तो मुरादनगर नहर हो गई, और लोनी की तरफ अगर बात की जाए तो यमुना नहर हो गई। इस तरह इनकी जो आप चीजें देखेंगे, इस तरह के यहाँ पर नाले बने हैं और जो फैक्ट्रियां इनके किनारे पर बनी है तो उनको लेकर किसी भी तरह के कोई कड़े इंतजाम नहीं है, जिसके चलते उसी में ही दूषित जो उनका केमिकल वाला पानी होता है वो नदी नालों में जाकर गिरता है, और उसके वजह से अगर गाजियाबाद के हिंडन नदी के आसपास के एरियो की अगर बात की जाए तो वहाँ अगर नल से पानी निकलता है तो वो भी केमिकल युक्त निकलता है, जिसकी शिकायत आज से नहीं है, लगभग 10 से 15 साल से है, और ये समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। चलिए ठीक है जितेंद्र, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां हम तक पहुंचाने के लिए। नोएडा से मेरे सहयोगी भूपेश भी मेरे साथ बने हुए हैं। भूपेश, नोएडा में कैसी आबोहवा, किस तरह से सांस ले रहे हैं आप? भूपेश, मेरी आवाज मिल रही है क्या आपको? तो शायद भूपेश, भूपेश मुझे सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी जी, देखिए नोएडा की आबोहवा कैसी है? देखिए नोएडा के जो हालात है, अगर मैं AQI की बात करूं तो नोएडा में अलग अलग जगह पर अभी भी 400 के पार है, और जो यहाँ पॉल्यूशन का स्तर है वो काफी ज्यादा है और लोगों को सांस लेने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अगर हम बात करते हैं प्रशासन की या प्राधिकरण की, तो उनकी तरफ से देखिए कई तरह से एहतियात के तौर पर कदम उठाए जा रहे हैं, कई जगह जगह पर छिड़काव किया जा रहा है, साथ ही जो कंस्ट्रक्शन वाली जगह है वहां के लिए कंस्ट्रक्शन जो हो रहा है वहां पर साफ तौर पर निर्देश है उनके लिए कि जो भी आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं वो धूल नहीं उड़नी चाहिए। तो इसके अलावा अन्य और भी कई ऐसे हैं जो कड़े निर्णय उनके द्वारा लिए जा रहे हैं। क्या इसका असर दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप बता रहे हैं कि जगह जगह पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है, जो कंस्ट्रक्शन साइट है उन्हें क्या बंद किया गया है, क्योंकि अगर वो चलती रही तो ये जो आंकड़े हैं, मतलब AQI का जो लेवल है वो कम होने वाला नहीं है।
आप बिल्कुल देखिए, अभी जो कंस्ट्रक्शन है वो बंद तो नहीं है, लेकिन कंस्ट्रक्शन वाले को हिदायत जरूर दी गई है, उनको हिदायत दी गई है कि आपकी तरफ से जो पॉल्यूशन है वो नहीं फैलना चाहिए। इसके अलावा जो नोएडा की बात करूं या मैं ग्रेटर नोएडा की बात करूं, जगह जगह पर जनरेटर जो है वो अभी भी चालू है, तो उसको लेकर भी प्रशासन की तरफ से उस तरह की सख्ती नहीं है जो होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की जिस तरह से फटकार लगी है उसके बाद भी अभी जो प्रशासन है वो कदम नहीं उठा पा रहा है। अब देखना यह है कि कब तक जो एक्यूआई है वो कम होता है, क्योंकि लगातार जो एक्यूआई है नोएडा और ग्रेटर नोएडा का वो बढ़ रहा है और ये कहीं ना कहीं लोगों की परेशानियों को बढ़ा रहा है और लोगों को बाहर निकलने में। आपकी मैं बात करूं तो आपके पर्सनली आप किस तरह से नोएडा में आबोहवा को देखते हैं, क्योंकि काफी ज्यादा संख्या में दिल्ली से लोग नोएडा आते हैं नौकरी करने के लिए, कई ज्यादा संख्या में नोएडा से दिल्ली भी जाते हैं और दोनों ही शहर ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा प्रदूषित हैं। अगर नोएडा की बात की जाए तो नोएडा एक इंडस्ट्रियल एरिया है जहां पर बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्री है जिनमें से रोजाना इतना धुआं निकलता है कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। आदि की काजल बिल्कुल आपने सही कह रहे हैं। देखा अगर एक आम बात व्यक्ति की होकर हम बात करें तो साफ तौर पर कि अगर आप बाइक पर कहीं जा रहे हैं या बाहर घूम रहे हैं तो आपकी आंखों में जलन होगी और बुजुर्ग व्यक्ति उनको सांस लेने में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक्वाई जिस तरह से बढ़ता है पॉल्यूशन उसी तरह से। और आपने जो इंडस्ट्रियल एरिया की बात करी है, नोएडा एक हब है इंडस्ट्री का, जगह जगह पर कंपनियां और कारखाने हैं जो अभी भी बदस्तूर जारी है। अगर देखिए उन अगर आपको प्रदूषण को कम करना है तो कहीं ना कहीं एक लॉकडाउन जैसी परिस्थिति आपको एक या दो दिन के लिए लानी पड़ेगी और उन कारखानों को या तो कुछ दिन के लिए बंद करना पड़ेगा। लॉकडाउन का जिक्र करें, देखिए सुप्रीम कोर्ट बहुत ज्यादा सख्त है प्रदूषण को लेकर, दिल्ली सरकार को भी फटकार लगाई है, साथ ही साथ केंद्र सरकार को भी फटकार लगा रही है। आपात बैठक बुलाने की बात यहां सुप्रीम कोर्ट कर रहा है, सुनवाई दो बार हो चुकी है, तीसरी बार भी होनी है, लेकिन लॉकडाउन क्या विकल्प है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी ये कह रहा है कि आखिरी विकल्प समझे लॉकडाउन को, उससे पहले जो भी मुमकिन हो वो कोशिश की जाए। अगर नोएडा की हम बात करें तो क्या यूपी सरकार कोशिश कर रही है इस प्रदूषण पर कुछ ना कुछ करने की, क्योंकि दिल्ली सरकार कह चुकी है कि हम तो पूर्ण लॉकडाउन के लिए तैयार हैं, लेकिन सिर्फ दिल्ली में लॉकडाउन लगाने से कोई फायदा है नहीं है, एनसीआर में भी लगना चाहिए। देखिए बिल्कुल काजल आप जो कहने बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अगर आप लॉकडाउन की बात करते हैं तो वो अगर दिल्ली में लॉकडाउन लग जाता है तो उसके बावजूद भी दिल्ली एनसीआर के आसपास जो पॉल्यूशन है उसका दिल्ली पर असर रहेगा और एनसीआर में रहेगा। लॉकडाउन को लेकर हालांकि अभी सरकार की तरफ से विचार नहीं है, लेकिन जब इमरजेंसी हालात बनेंगे तो सरकार इस तरफ सोचेगी। अभी सरकार की तरफ से साफ तौर पर निर्देश है, आज दिल्ली में एक हाई लेवल मीटिंग की होनी है, चाहे वो दिल्ली एनसीआर को लेकर के हो तो उसमें कई उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव भी शामिल होंगे, कई चीजों पर देखिए विचार होंगे अभी, क्योंकि पॉल्यूशन एक इतना बड़ा मामला बन चुका है, लगातार लोगों को परेशानी हो रही है और खासकर दिल्ली एनसीआर को तो इसने अपने आगोश में ले रखा है। सुबह से ही स्मॉग की जो छटा है वो चारों तरफ छाई रहती है, तब तक साफ तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पराली जला। मौसम विभाग भी कह चुका है कि आने वाले समय में भी राहत मिलती हुई नजर नहीं आती है। फिलहाल आपको बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए, आप नजर बना के रखिएगा, अपडेट लगातार आपसे लेते रहेंगे भूपेश। तो तस्वीरें आपने देखी, अब बढ़ते प्रदूषण से लोगों की हालत बदतर हो चुकी है, आने वाले समय में भी राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। दिल्ली देश का सबसे प्रदूषित शहर बना हुआ है, एनसीआर भी पीछे नहीं है, एनसीआर भी दिल्ली की उसी रफ्तार पर चल रहा है जिस रफ्तार पर दिल्ली शहर चल रहा है प्रदूषण के मामले में। तो आसपास के जो इलाके हैं वो भी काफी ज्यादा प्रदूषित माने जा रहे हैं, चाहे वो नोएडा हो, गाजियाबाद हो, फरीदाबाद हो, गुड़गांव हो, यहाँ पर एक्यूआई बहुत ज्यादा गंभीर श्रेणी में पहुंच चुका है, जो कि आम लोगों के लिए बेहद ही खतरनाक है, खास करके बुजुर्गों के लिए और मासूम बच्चों के लिए।